अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की एक और ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, चिकन पॉप्सिकल। जिसके लिए हमने सबसे पहले ये चीज़ ले ली है, 100 ग्राम्स मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ठीक है। और एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कट कर ली थी, ठीक है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में मैंने मिल्क पैक की डेयरी क्रीम जो होती है वो ले ली है, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पैक की डेयरी क्रीम शामिल कर रही हूँ। मायोनीज़ ले लिया है, सिंपल प्लेन मायोनीज़ लिया है, और वो भी मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, रेड क्रश्ड चिली, ये ऐड कर रही हूँ। और एक मिक्सचर इसका रेडी करें जो कि हम अंदर फिल करेंगे, चिकन की ब्रेस्ट के स्ट्रिप्स में हम अंदर फिल करेंगे इसे, ठीक है। थंबनेल से, टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि अंदर फिल कर रहे हैं हम, सेंटर फिल्ड पॉप्सिकल्स हैं, तो उसको फिल करने के लिए ये फिलिंग हमने रेडी की है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लग रही है, स्टिकी सी। अब हमने क्या करना है, जब आप एक ब्रेस्ट निकलवाते हैं चिकन का, तो उसमें से आपने बिल्कुल पतले पतले बारीक स्लाइसेस करवाने हैं। अगर आप पूरा एक ब्रेस्ट ले रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 6 स्लाइसेस निकल जाएंगे, इतने स्लाइसेस निकलने चाहिए, इतने आपने बारीक स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है। ये मैं आपको उस पर रख के भी दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने बारीक है, पीछे से नज़र भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट से लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने उसको अच्छे से वॉश करना है, ड्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तंदूरी मसाला मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि और बहुत सारे मसाले हमें ऐड ना करने पड़े, ठीक है। जब आप एक तंदूरी मसाला, मैं शान का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं पसंद है, तो वो जब आप एक वो डाल लेते तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई और मसाले की, उसके अंदर अपने अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, सब अच्छे से मैंने लगा लिया ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स ले ली हैं, पहले एक ब्रेस्ट मैंने रखा मसाला लगा हुआ, आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था। इसके बाद इस पर एक आइसक्रीम स्टिक रखी है, बीच में हमने सेंटर फिल करना है चीज़ से, तो हमने चीज़ वाला जो मिक्सचर बनाया था वो रख दिया है। इसके बाद हम उसको अच्छे से स्टिक के ऊपर ब्रेस्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये जो चिकन की स्ट्रिप है वो चारों तरफ से अच्छे से आपने इस तरीके से पैक कर लेनी है कि कहीं से भी आपकी चीज़ जो है वो निकल ना आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है 2 टेबल स्पून हमने मैदा लेना है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट सा बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ठीक है। इस तरीके का एक पेस्ट बनाना है जिसमें आपने सबसे पहले आपने इसको स्टिक को पॉप्सिकल को इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं पहले ही चैनल पर डाल चुकी हूँ कि किस तरीके से आप घर में बनाएंगे। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी कि आप ब्रेड क्रम्स घर में कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से चिकन बिल्कुल कच्ची है, हालांकि थिन स्लाइसेस है, लेकिन फिर भी आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। दोनों तरफ से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने निकाल लेना है, सर्व करना है। और ये देखिए कितनी मज़े की चीज़ बाहर अभी से आना स्टार्ट हो गई है मेल्ट होके। मैं इसको आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, कितना मज़ेदार से अंदर से चीज़ी से लग रहा है, एकदम कुक हो गई है चिकन। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं अप टू 1 मंथ, ठीक है जी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान मेरी ये रेसिपी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।